आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज और मैं हूं आपके साथ शक्ति मिश्रा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको नहाने का साबुन बनाने की विधि के बारे में बताने वाला हूं। आज आपको सारा कुछ पता चलेगा कि साबुन का रॉ मटेरियल क्या होता है, कैसे बनता है, कौन से मशीन में बनता है, ये मशीनें कहाँ मिलती हैं, ये रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, कितना लागत, कितना मुनाफा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे जो है इंडिया के बड़े से बड़े कंपनीज, बड़े से बड़े ब्रांड का जो है साबुन यहाँ पे बनाया जाता है। हालांकि मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जस्ट आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ बता दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपका मेरा ये काम पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब रेड कलर बटन दबाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों साबुन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है इस तरह की नूडल्स की। जी हाँ, ये नूडल्स ही इसके जो है मेन रॉ मटेरियल होते हैं और इसी से जो है साबुन का जो है निर्माण होता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस नूडल्स को कैसे हम साबुन में तब्दील करते हैं, कौन सा जो है कलर कैसे डालते हैं, कैसे हम परफ्यूम वगैरह डालकर और जो है एक साबुन का निर्माण आसानी से आपके गांव क्षेत्र में कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं यहां के ऑनर से भी आपका साक्षात्कार करवाऊंगा और वो आपको बताएंगे कि कैसे जो है ये प्रोसेस पूरा काम करता है। आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लें। अब 50 किलो नूडल्स निकाल दो। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 50 किलो जो है नूडल्स जो है इस ट्रे के अंदर डाल रहे हैं। ये नूडल्स कहाँ पे मिलता है सर? रायलसीमा है। जी हाँ, मलेशिया। जो भी इसका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जहाँ पे ये रॉ मटेरियल्स मिलता है, मैं आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो मैन्युफैक्चरर का डालूंगा, जो मशीन देते हैं वहाँ, वो आपको रॉ मटेरियल के लिए भी पूरी तरह से मदद कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नूडल्स है साबुन का, हम उसका जो है वजन कर रहे हैं और हम पूरा 50 किलो का जो है साबुन बनाने वाले हैं। जो ये रॉ मटेरियल है, मैं फिर से बता दूं, उसका जो नाम है उसे कहते हैं नूडल्स। ये जो है सॉफ्ट नूडल्स है और ये जो है ऑयल्स का जो है बना होता है, पाम ऑयल्स और नारियल का जो ऑयल्स है उससे जो है, उसके तेल से ये नूडल्स जो है बनता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इन नूडल्स को जो है यहाँ पे वेट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जस्ट हमने नूडल्स को जो है वेट कर लिया है, माप कर लिया है 50 किलो का, और अब हम इस नूडल्स को है इस मिक्सर में जो है डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अब ये मशीन चालू करके इस नूडल्स को हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि नूडल्स जो है इस मिक्सचर में आसानी के साथ जो है मिक्स हो रहा है, मिक्स किया जा रहा है। दोस्तों जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा हम इसके अंदर जो है सोप स्टोन पाउडर डालेंगे। सोने के बाद पहले पाउडर डालेंगे, पाउडर को मिक्स हो जाएगा, बाद में कलर डालेंगे, बाद में परफ्यूम डालेंगे। ये पाउडर है, इस पाउडर का नाम क्या है सर? सोप स्टोन पाउडर बोलते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये सोप स्टोन पाउडर है जो कि साबुन बनाने के काम आता है। और सर हमने 50 किलो के अंदर कितना पाउडर डाला है? वो डेढ़ किलो। एक किलो? डेढ़ किलो। तो 50 किलो नूडल्स के अंदर डेढ़ किलो सोप स्टोन पाउडर आपको डालना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा हमने 50 किलो जो है नूडल्स डाला है, उसके बाद डेढ़ किलो सॉफ्ट स्टोन पाउडर को इस मिक्सर के अंदर डाल दिया है और ये मिक्सर जो है अपना काम कर रहा है और दोनों प्रोडक्ट को अच्छे से मिक्स कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने इसमें नूडल्स को और सॉफ्ट स्टोन पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसके अंदर कलर डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कलर है सर, ये कलर मतलब ये सॉप का कलर होता है। जी जी जी, आपको जिस कलर का भी ऑयल बेस कलर होता है, जिसका भी कलर चाहिए। अभी हम लोग बना रहे हैं वो सैंडल का सॉप बना रहे हैं। अभी हम लोग जो है सैंडल का जो है सॉप बना रहे हैं। आपको जिस कलर में भी चाहिए आप इस किसी भी कलर का जो है इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस मिक्सर के अंदर हम लोग जो है कलर्स को जो है मिक्स करेंगे। अंदर नूडल्स डाल दिया है, सॉफ्ट स्टोन पाउडर डाल दिया है और हमने इसमें जो है
थोड़े से कलर्स भी डाल दिए हैं। चंदन के कलर का जो है हम साबुन का निर्माण इस वक्त कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा अभी हमने इसमें सारा सामग्री जो है मिक्स कर लिया है और अब हम इस जो है मिक्सर के अंदर थोड़े परफ्यूम डालेंगे जिससे जो है इसका सुगंध काफ़ी अच्छा हो जाएगा और काफ़ी सुगंधित जो है ये जो है साबुन जो है बनकर तैयार होगा। आपने देखा है 50 किलो नूडल्स डाला है, उसके बाद हमने सॉफ्ट स्टोन पाउडर डाला है, उसके बाद हमने कलर डाला है, यानी कि तीन चीज़ अभी तक हम इसमें डाल चुके हैं और चौथा चीज़ जो है वो होगा परफ्यूम। सर आप मुझे बताइए हम कितना परफ्यूम डालेंगे? हम 650 किलो है तो 1.2 के हिसाब से 600 ग्राम डालें। 600 ग्राम हम परफ्यूम जो है इसके अंदर अब डालने वाले हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है मिक्सर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगा सर? अब इसको निकालेंगे। जी अब इसको निकालेंगे और निकाल के उसको आगे मिक्स जो मिलर है उसमें उसको मिल्क पिलेंगे। ओके सो अब ये बन चुका है, अब ये इसका जो है काम होगा अगले मशीन में, उसका नाम है मिलर। अब मिलर के अंदर हम इसे डालेंगे और वहाँ पे जो है इसकी जो है बाकी की जो प्रोडक्शन विधि है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारे साथ इस मशीन के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि ये मशीन बनाते हैं, वो भाविक जी मेरे साथ हैं। भाविक जी आपने बताया था इस मशीन का कितना कीमत है? दिस मशीन विल कॉस्ट यू अराउंड 65,000 रुपए का जो है मशीन है। और सर 50 kg रॉ मटेरियल का कितना कॉस्ट आ जाएगा? 3,500 50 किलो रॉ मटेरियल का कीमत आता है 3,500 रुपए। साढ़े तीन हजार रुपए के रॉ मटेरियल में आप 500 जो है साबुन बना सकते हैं। और ये जो है सारा खर्चा पकड़ के है, यानी कि इसका रॉ मटेरियल परफ्यूम बाकी का जो भी है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है कंज्यूम करने की अगर हम बात करते हैं तो भाविक जी बताएंगे कि ये मशीन कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है? सर मिक्सर मशीन का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूजुअली डिपेंड करता है उसकी जो बैच कैपेसिटी पे होता है। ये है वो 50 किलो का बैच वाला है तो इसमें यूजुअली 2.5 या 2 HP का मोटर लगा हुआ होता है। ओके और जो कंजम्पशन है वो अराउंड इट इज़ अ थ्री फेज मोटर होता है और अंदर 50 किलो रॉ मटेरियल का 500 साबुन 100 ग्राम का बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम बात करते हैं साबुन के पैकिंग का और मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग के लिए भी भाविक जी आपको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो है पैकिंग का, तो आने वाले थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो है साबुन की पैकिंग और मार्केटिंग का जो लेबल होता है वो कैसे लगाते हैं। इंडिया से बड़ी कंपनीज का भी जो है यहाँ पर साबुन मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे भाविक जी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, वहाँ से आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हम कैसा करते हैं कि यूजुअली वी हैव एक्सपोर्टेड मैनी प्लांट्स टू मैनी अदर कंट्रीज। ओके यूजुअली जो कोल्ड कंट्रीज होता है वहाँ पर ग्लिसरीन बेस का साबुन बनाए जाते हैं, वहाँ पर कोकोनट ऑयल पाम ऑयल नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेन है, यूके है, अमेरिका है, दे डोंट हैव सच रॉ मटेरियल्स दैट वी इंडिया हैव। सो ड्यू टू दैट रीजन वो रीज़न हम ध्यान में रखते जाते हैं। मेरे पास से प्लांट खरीदते हैं फिर मेरे पास से रॉ मटेरियल्स का डिटेल्स मांगते हैं। कोई ऐसे कस्टमर्स है, रिसेंटली मेरे स्पेन का एक कस्टमर है, उन्होंने मेरे पास कोकोनट ऑयल सोप मांगा है। वो ऐसा बोलते हैं मुझे कोकोनट ऑयल सोप चाहिए, मुझे सिकाकाई का साबुन चाहिए। जो मैं पर्टिकुलरली मेरे जितने भी कस्टमर्स है इंडिया में जिसने मेरे पास से सोप का प्लांट्स लिया है, मैं उनके पास से यूजुअली साबुन का पूरा लॉट लेता हूँ और क्वान्टिटीज 22 टन एक दिन में मैं उठा लेता हूँ। एंड आई हेल्प दैट पर्टिकुलर कस्टमर टू एक्सपोर्ट द गुड्स टू दैट कंट्री। सो इन दैट वे आई ऑल्सो सपोर्ट माई कस्टमर्स कि भाई चलो लेट अस आई हैव सच एन इंक्वायरी फॉर सोप्स, I'll give it to Jyoti Soap, I'll give it to Agraj Detergent Powder का है तो Agraj Detergent देता हूँ। इस तरह से मैं सबको हेल्प करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है
रॉ मटेरियल को मिक्स कर लिया है। मिक्स करके हम इस मिलर के मदद से, आप देख सकते हैं इस मिलर के मदद से आप देख पाएंगे कि हम जो है इस साबुन का ऐसा छिलका निकाल रहे हैं ताकि ये साबुन जो है अच्छे से जो है हर एक मटेरियल इसके अंदर मिक्स हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि एक बढ़िया और बेस्ट क्वालिटी की साबुन हम बनाने जा रहे हैं जो कि हाइजेनिक है और इको फ्रेंडली भी है। ये प्रक्रिया हमें 3 बार करना होगा। जी हाँ, हम 3 बार इसको जो है इसी प्रकार से मिलर के अंदर डालेंगे और इसके जो है छिलके इस तरह से निकाल लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस मिलर के जरिए जो है हमने इसे रॉ मटेरियल को पूरा करीब इस प्रकार से हमने बना लिया है। अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल छिलके जैसा जो है आपको नज़र आ रहा होगा ये रॉ मटेरियल, और इस प्रक्रिया को हम करीब करीब 3 बार करेंगे। दोस्तों, परफेक्शन और ज़्यादा अच्छा साबुन बनाने के लिए आप 3 नहीं 5 बार भी अगर आप इसमें करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। 5 बार भी इस मिल के अंदर अगर आप जो है इस रॉ मटेरियल को डालकर और इसके परफेक्शन के लिए आप इसे मेल्ट करते हैं, बार बार 5 बार भी 6 बार भी, जितना ज़्यादा बार आप इसके अंदर इसे चलाएंगे रॉ मटेरियल को, क्वालिटी उतनी ही ज़बरदस्त और उतनी ही बढ़िया जो है इसमें निकलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं साबुन के जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके हमने अच्छे से छिलके निकाल लिए थे करीब 3 से 4 बार, और अब हम उन्हें वापस से इस मिक्सर के अंदर मिक्स कर रहे हैं। और वो पानी है और उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं जिससे इस जो रॉ मटेरियल है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चिपचिपाहट आ जाती है। तो 50 किलो के मिश्रण के अंदर हम करीब करीब 0.5 लीटर तक पानी जो है डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने उस मशीन के अंदर जो इसके पहले वाली मशीन थी वहाँ पे हमने जो है रॉ मटेरियल की जो है छिलके निकाले कई बार, 3 से 4 बार तक हमने उसके अंदर वो प्रोसेस को किया, और अब हम वापस इसे मिक्सर मशीन के अंदर डालकर और इसे जो है फाइनली जो है हमने तैयार कर लिया है। 0.5 लीटर के करीब हमने इसके अंदर पानी डाला है 50 किलो के रॉ मटेरियल के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि जो इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सैंडल का जो है कलर इसके अंदर आया है, और आप देख पाएंगे कि ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है। अगर आप इस तरह से मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो आप देखते हैं जैसे आप आटा को गूंद लेते हैं इस मशीन के जरिए, कुछ इस प्रकार से अगर आप मुट्ठी बंद करते हैं तो ये जो है बंद जाता है। यानी कि ये साबुन अब बिल्कुल बनने के लिए तैयार है, रॉ मटेरियल तैयार हो चुका है। जो भी रॉ मटेरियल है मैंने आपको बताया कि क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, और मुश्किल इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आ रहा हूँ। इस तरह के इन्फॉर्मेशन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है जो कि काफ़ी मेहनत करने के बाद आपके लिए लेकर आ पाया हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो है साबुन का जो है इसको आकार दिया जाएगा और कैसे इसके ऊपर ब्रांडिंग की जाएगी और किस तरह से पैकिंग किया जाएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। जो है मिक्स मटेरियल जो है उसको अब हम टॉयलेट सॉप पाउडर मशीन के अंदर डालेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम इसके अंदर जो है इसको डाल रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हम जो है पाउडर मशीन के अंदर इस मिक्स किए हुए सॉप को डाल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भाई साहब इसको डाल रहे हैं इसके अंदर, और आप बिल्कुल यहाँ पे देख पाएंगे कि जो है साबुन बनकर इस तरह से इसमें से निकल रही है, और यहाँ पे इसका जो है कटिंग किया जा रहा है। दोस्तों, आप देख पाएंगे कि अब जो है साबुन की जो है कटिंग हम यहाँ पे इस मशीन के जरिए करने वाले हैं, जो कि आप लाइव यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है रॉ मटेरियल को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमने उसके दूसरे मशीन में 3 से 4 बार छिलके निकाले, उसके बाद वापस से मिक्स किया, मिक्स करके हमने पाउडर मशीन के अंदर डाला, और कुछ इस तरह के जो है आप देखेंगे काफ़ी गर्म है
साबुन जो है बनकर तैयार हो चुकी है और कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि पाउडर मशीन से जो है लंबा लंबाई में जो है साबुन निकलता है और उसे कट कर लिया जाता है। साबुन काफ़ी गर्म है क्योंकि अभी जस्ट पाउडर मशीन से निकला है। और अगर सुगंध की बात करें तो काफ़ी सुगंधित साबुन जो है बनकर निकली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो है कटिंग कैसे की जाती है और किस तरह से इसकी जो है ब्रांडिंग और पैकेजिंग जो है आप कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मशीन है वो एडजस्टेबल कटिंग मशीन है और यहाँ पे इसका जो है वेट किया जा रहा है कि कितने ग्राम का जो है साबुन आपको जो है इसके अंदर निकालना है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि जो है यहाँ पे अब इसकी जो है कटिंग हो रही है और कटिंग के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो है इसको शेप में डालने के लिए और इसके ऊपर लेबल लगाने के लिए कैसे जो है किया जाता है और आगे का प्रोसेस क्या है। अब आप देख सकते हैं साबुन तो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है लेकिन अब इसके ऊपर आपको जो है इसका इसको शेप में लाना पड़ेगा और प्रिंटिंग करना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे साबुन की जो है काफ़ी सारे बंडल्स पे रखे हुए हैं और बिल्कुल अगर आप इस दोस्तों अगर आप बिल्कुल इस जगह पे देखेंगे तो साबुन की जो है प्रिंटिंग हो रही है और प्रेस के अंदर उसे जो है अपने शेप में ढाला जा रहा है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि साबुन की जो है प्रिंटिंग यहाँ पर की जा रही है और आप बिल्कुल देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल इस खाने के अंदर एक डाई लगा हुआ है और डाई के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह से जो है साबुन की जो है कटिंग की जा चुकी है और इस डाई के अंदर हम इसको अगर डालते हैं इस डाई के अंदर हम इसको बस डालते हैं और आप देखेंगे कि ये मशीन की जो है कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसे कहते हैं स्टंपिंग मशीन। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बिल्कुल इस तरह से कुछ स्टंपिंग मशीन की कंस्ट्रक्शन दिखती है और यहाँ पर बिल्कुल आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पैर के पास एक लीवर दिया हुआ है। इसी लीवर की मदद से जो है इसे प्रेस किया जाता है और जैसे ही आप इसे प्रेस कर देते हैं आप देख सकते हैं कि साबुन जो है कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। ये एक बेहतरीन क्वालिटी की अच्छी सी साबुन जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये पैकिंग के लिए भी तैयार है और मार्केट में सेल होने के लिए भी ये साबुन जो है पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि आपने देखा पूरी प्रक्रिया हमने आपको बता दी है साबुन बनाने की। अब ये आपके ऊपर है कि इसकी मार्केटिंग आपको करके कैसे बाजार में उतार कर और अच्छा खासा मुनाफा कमाना है। दोस्तों मेरा कोशिश हर एक वीडियो का सिर्फ यही होता है कि गांव में निवासी जनता में जानकारी कम होने के अभाव से वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं। मेरी कोशिश है कि उस जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए जिससे वो अपने गांव क्षेत्र में ही अच्छा खासा बिजनेस करके अच्छी खासी कमाई कर सके। दोस्तों जो मशीन्स आपको मैंने दिखाई हैं उसके ऑनर जो है यहां पे मौजूद है मेरे साथ और ये जो जितनी भी मशीनें आपको मैंने दिखाई हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। बहरहाल इस मशीन को आप जो है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन भी इनसे खरीद सकते हैं। एटम मशीनरीज का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको इलेक्ट्रिसिटी वाली खरीदनी है या नॉन इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन खरीदनी है ये आपके ऊपर है, ये डिसीजन पूरा आपका है। इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इनकी कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। बाकी के रॉ मटेरियल्स या किसी भी चीज़ के मदद के लिए मुझे सर ने जो है प्रॉमिस किया है कि आप लोगों की मदद करेंगे और इन्होंने कहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा है और इसमें मदद करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए लघु उद्योग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।